तो हम जो ये प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम विजुअल स्टूडियो कोड में करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन विद कोड, आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन हो गया है। इसमें हम आपको प्रोग्रामिंग बताएंगे कैसे आप इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जिस भी आप टॉपिक से आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो पहले आपको वो फाइल जो है उसको आपको सेव करना होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको न्यू फाइल का आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हैं, तो चलिए हम फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी दे दें। यहाँ पे C++ question 1 और लास्ट में आपको एक्सटेंशन कोड के साथ आपको सेव करना है। तो यहाँ पे जब भी आप C++ में प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो यहाँ पे उसका जो एक्सटेंशन कोड होगा वो .cpp, ठीक है। और इसको इतना लिखने के बाद आपको इंटर दबा देना, जैसे आप इंटर दबाइएगा तो ये हमारा फाइल सेव हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल का नाम C++ question 1 .cpp। तो अब यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको कमेंट लाइन लिख लेते हैं जिसमें कि हम क्वेश्चन को लिखेंगे। तो ये आज का जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इस तरह से हम कमेंट लाइन लिखते हैं और ये कमेंट लाइन में हम आज का जो क्वेश्चन है वो हम लिख दिए। तो अब हम इसके नीचे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा हेडर फाइल इंक्लूड हो रहा है। तो जब भी आप C++ में प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो वहां पे जो हेडर फाइल का जो नाम होता है वो IO स्ट्रीम होता है। इस चीज को आप याद रखें, IO स्ट्रीम। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे .h लिखने का कोई काम नहीं है। अगर आप विजुअल स्टूडियो अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप .h लिख सकते हैं, iostream.h, ठीक है। अब हम इसके नीचे हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। तो इतना तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा। अब हम यहां से हम मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे इंट मेन, और यहां पे हम ब्रैकेट ओपन कर दिए और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है ब्रैकेट क्लोज। चलिए इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या क्या वेरिएबल ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो भी क्वेश्चन है उसको आपको पहली बार आपको उसको ठीक से पढ़ना होगा, ठीक है। आप इसको ठीक से पढ़े, क्वेश्चन को समझे, जिससे कि आप अपना लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको C++ प्रोग्राम टू फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो वाजिब सी बात है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन और रिमाइंडर स्टोर करवाने के लिए आपको दो वेरिएबल लेना होगा। तो आप वेरिएबल किस टाइप का ले सकते हैं, इंटीजर टाइप का, चलिए हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए आपको दो नंबर को लेना होगा, ठीक है। क्योंकि आप जब तक आप दो नंबर को लीजिएगा नहीं तो आप डिवाइड कैसे कीजिएगा, जब तक आप डिवाइड नहीं कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन और रिमाइंडर तो निकलेगा नहीं। तो इसलिए उस दो नंबर को लेने के लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं जिसका की नाम है डिवाइजर और डिविडेंड। तो ये डिवाइजर और डिविडेंड क्या होता है ये हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए लिख लेते हैं डिवाइजर के लिए हम लिख दिए DIV और डिविडेंड के लिए हम DIVEN, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन और रिमाइंडर के लिए भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन के लिए लिख लेते हैं QUO और रिमाइंडर के लिए REM, ठीक है। तो ये हम चार वेरिएबल यूज करेंगे इस प्रोग्राम में। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हम डिवाइजर और यहाँ पे डिविडेंड लिखे हैं, ठीक है। तो डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर वैसा नंबर होता है जिससे कि हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर को हम जिसमें डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं डिवाइजर। और डिविडेंड क्या होता है, जिस नंबर में हम डिवाइड करते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वहां पे जब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
तो अब हम इसके बाद हम मैसेज प्रिंट करेंगे इंटर डिविडेंड। डिविडेंड और यहां पे हम लास्ट में इंड एल लिखेंगे, क्योंकि इंड एल से क्या होता है, इंड एल का फंक्शन होता है कि वो आपको न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा, इंड एल, ठीक है। और ये सी प्लस प्लस में ही होता है। और फिर जैसे ये मैसेज प्रिंट करेगा तो इस जो भी मैसेज देगा तो उसके अकॉर्डिंग यूजर जो है वहां पे नंबर को इनपुट करेगा, और उस नंबर को इनपुट करने के बाद वो नंबर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नंबर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के लिए वो उस नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे सी इन का, सी इन नाम का एक फंक्शन है उसको हम यूज करेंगे नंबर को एक्सेप्ट कराने के लिए। यूजर के थ्रू जो नंबर एक्सेप्ट होता है उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हम सी इन का फंक्शन जो उसको हम यूज करते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे जो हम वेरिएबल लिखे हैं डी आई वी ई एन, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस नाम का ही हम वेरिएबल लिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इस वेरिएबल में वो नंबर जो है हमारा वो इनपुट हो जाएगा। फिर से हम मैसेज प्रिंट करेंगे डिवाइजर को, डिवाइजर जो नंबर होगा उसको हम लेने के लिए, ठीक है। तो हम चलिए फिर से हम करते हैं, फिर से मैसेज देते हैं। आपको पता ही होगा कि जब भी हम मैसेज प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे तो वहां पे हम सी आउट का यूज करते हैं। यहां पे आपको दिख रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे मैसेज इंटर डिवाइजर, और फिर लास्ट में हम इंड एल, और फिर इसको फिर से हम इनपुट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम डी आई वी नाम का हम वेरिएबल यूज किए हैं, तो हम यहाँ पे डी आई वी नाम से ही हम देंगे, क्योंकि आप दोस्तों जिस नाम से आप वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, उसी नाम से आपको वेरिएबल यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे जो दो नंबर है वो दोनों नंबर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब उसको हम लॉजिक लगा के उसको हम रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो रिमाइंडर निकालना है, तो क्वेश्चन के लिए क्यू यू ओ ये आपको दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल हम लिए हैं, इक्वल टू हम क्या बोले थे, डिविडेंड जो होता है क्वेश्चन नंबर होता है जिसमें हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिविडेंड डी आई वी ई एन, और फिर क्वेश्चन निकालने के लिए हम ये डिवाइडर सिंबल का यूज करेंगे, और फिर लास्ट में हम जिससे हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या है, डिवाइजर है, डी आई वी, डी आई वी, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम रिमाइंडर निकालने के लिए भी हम लॉजिक लगा देते हैं इसमें, कैसे हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसमें भी हम डिवाइड करेंगे डी आई सॉरी डी आई वी ई एन, सॉरी यहाँ पे हम ई लिख दे रहे हैं, डी आई होगा, हाँ यहाँ पे अब हो गया डी आई वी ई एन। और फिर यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम बोलते हैं मॉडुलस, ठीक है। हम जब भी मॉडुलस यूज करते हैं तो वहां पे हमको रिमाइंडर फाइंड आउट होता है, तो इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम डी आई वी, ये हमारा हो गया, ये हमारा लॉजिक लग गया कि हम आप क्वेश्चन के लिए हम वैसा नंबर हम लेंगे जिसमें कि हम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन के लिए हम क्या किए, एक नंबर एक डिविडेंड नाम का एक वेरिएबल लिए और उसको हम डिवाइजर नाम का वेरिएबल उसमें जो भी नंबर स्टोर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, तो जिससे हमारा जो है वो क्वेश्चन निकल जाएगा। और फिर रिमाइंडर के लिए हम क्या किए, एक डिविडेंड नाम का एक वेरिएबल लिए जिसमें जो भी नंबर हम देंगे, और फिर एक डिवाइजर नाम का वेरिएबल लिए जिसमें नंबर हम लिखेंगे उसको डिवाइड करने के लिए, उस नंबर से जब भी हम मॉडुलस करेंगे उस नंबर का, इस नंबर का जब हम मॉडुलस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमको रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर नाम का जो क्वेश्चन टू रिमाइंडर जो है उसमें जब भी हमारा रिजल्ट स्टोर होगा तो उस रिजल्ट को हमको डिस्प्ले कराना होगा,
तो उस नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम सी आउट का यूज करेंगे और यहाँ पे हम फिर से क्या लिखेंगे, लिख देते हैं चलिए क्वेसेंट क्वेसेंट इक्वल टू और यहाँ पे हम वेरिएबल किस नाम से लेंगे क्यू यू ओ ये हमारा हो गया। अब हम फिर से हम इसको रिपीट करेंगे तो हम फिर से सी आउट यूज करेंगे क्योंकि हमको रिमाइंडर को भी डिस्प्ले कराना है। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, फिर से हम लिखेंगे रिमाइंडर के लिए आर ई एम ई एन डी ई आर आर ई एम। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम यहाँ पे इंड एल फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि हमको न्यू लाइन के लिए हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हम आपको दिखा देंगे इंड एल हम जब यूज करेंगे वो हमको किस तरह से आउटपुट मिलेगा और इंड एल यूज नहीं करेंगे तो हमको किस तरह से आउटपुट मिलेगा। चलिए हम यहाँ पे इंड एल नाम को जो फंक्शन ये हम यूज कर दिए। अब हम लास्ट में लिखेंगे रिटर्न जीरो। तो दोस्तों ये था हमारा C++ का प्रोग्राम जिसमें कि हम क्वेश्चन टू रिमाइंडर निकालने के लिए जान गए। कुछ नहीं है, बस आपको दो नंबर लेना है जिसमें आप डिवाइड कीजिएगा और फिर दो नंबर वैसा लेना है जिसमें आप क्वेश्चन टू रिमाइंडर का जो रिजल्ट होगा वो आपको स्टोर कराना है। टोटल कितना वेरिएबल लेना है हमको, चार वेरिएबल लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं आप चार वेरिएबल लिए और फिर आप इसको आप यहाँ पे इस तरह से आप बस आपको दिमाग में रखना है कि ये जो हम डिवाइड का जो हम सिंबल जो यूज किए हैं वो हम क्वेश्चन निकालने के लिए यूज किए और यहाँ पे मॉडुलस का जो हम जब भी हम सिंबल यूज करेंगे वहां पे हमको रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। ठीक है, बस आपको ये दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा कमेंट में लिख देते हैं जिससे कि आप आसानी से उस चीज को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तो ये जो सिंबल जो है ये इसको हम यूज करते हैं इज यूज्ड टू फाइंड आउट क्वेसेंट क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्वेसेंट। इसका हम किस लिए यूज करते हैं, क्वेसेंट को फाइंड आउट करने के लिए इज यूज्ड टू और फिर हम नीचे लिख देते हैं इसमें भी लिख देते हैं ये मॉडल सिंबल जो दिस सिंबल इज यहाँ पे हम साइन लिख देते हैं ये ज्यादा अच्छा होगा एस आई जी एन ये जो साइन है इसका इस साइन का हम यूज करते हैं क्वेश्चन निकालने के लिए क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन इज यूज टू फाइंड आउट रिमाइंडर। इस साइन का हम किस लिए यूज करते हैं, रिमाइंडर को फाइंड आउट करने के लिए। और ये हमारा जो प्रोग्राम जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं तो सेव करने के लिए आप क्या कीजिएगा Ctrl+S। जैसे आप Ctrl+S कीजिएगा तो ये हमारा जो फाइल है वो सेव हो गया। अब हम यहाँ पे दोस्तों ये जो प्ले बटन है रन कोड आपको यहाँ दिख रहा है Ctrl+L+N आप कमांड के थ्रू भी आप इसको रन करा सकते हैं। और फिर जैसे हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे मैसेज दे दिया हमको। यहाँ पे जो हम इस बॉक्स के अंदर जो हम लिखे थे मैसेज इस सिंबल के अंदर इंटर डिविडेंड तो चलिए हम डिविडेंड कोई भी नंबर हम इनपुट कर देते हैं। जैसे सपोज हम 15 नंबर इनपुट किए फिर हम इंटर दबाएंगे
तो यहाँ पे फिर से हमको मैसेज आ रहा है इंटर डिविजर, वैसा नंबर जिससे कि आप डिवाइड करना चाहते हैं। तो सपोज हम डिवाइजर डिवाइजर में हम दे दिए 2, ठीक है, हम 2 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, क्वेश्चन और रिमाइंडर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है 7 और रिमाइंडर क्या निकलेगा 1। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आपको वहां पे क्वेश्चन और रिमाइंडर इतना ही नजर आएगा, क्वेश्चन आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 1। तो हम प्रोग्राम के टाइम हम बात किए थे कि हम यहाँ पे इंड एल जब हम हटाते हैं तो हमारा किस तरह से रिजल्ट निकलता है, और फिर इंड एल लगाने के बाद हमारा किस तरह से रिजल्ट निकलता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये हम हटा दिए, अब हम इसको फिर से सेव कर देंगे Ctrl+S। जैसे हम Ctrl+S करेंगे फिर से यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आइकॉन जो है, चलिए फिर से हमारा मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा इंटर डिविजर सॉरी डिविडेंड। तो हम फिर से नंबर दे देते हैं 15, फिर से इंटर दबाएंगे, फिर से हम नंबर दे देते हैं 2 डिविजर के लिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 7 और रिमाइंडर आ गया 1। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दोस्तों, ये दोनों जो है ये सेम लाइन में है, ठीक है। तो इस लाइन को ब्रेक करने के लिए, न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे देखिए अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखने में, तो इसलिए इसको थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे इंड एल नाम का जो फंक्शन है उसको हम यूज किए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंड एल हम क्यों यूज करते हैं इस तरह से आपको पता चल ही गया होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको प्रोग्रामिंग करने में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप उसको हमको कमेंट में जरूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा क्लियर वे में हम आपको समझाएंगे, उस क्वेश्चन का हम बहुत ही क्लियर वे में हम आपको आंसर देंगे, जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ सके। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी समझने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमको प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप हमें फीडबैक जरूर दें, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही खुशी मिलता है कि आप हमारे प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से समझें। और फिर चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब।